गुप्ता साहब, फिर एक बार किलिंग हुई है, फिर एक बार टारगेट किलिंग, सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत तश्वीश है माइनॉरिटीज में जो वहां पे है। देखिए, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हमें यह समझना होगा कि एक कोल्ड वार है और लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने अपनी जान पर खेल करके बहुत अच्छा काम किया है और कश्मीर में पत्थरबाजी, आतंकवाद, रोजमर्रा के जो कंडर जारी होते थे, लाखों की तादाद में सड़कों पर लोगों का आना, आज उस पर लगाम लगी है। लेकिन आज भी कुछ अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स बनकर के वहां पर आतंकवादियों के जो समर्थक हैं काम करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं, वो जानबूझ करके खबर बनाने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कल जो दीपू का वहाँ पर शहादत हुई है, अपने आप में बड़ी दुख की बात है। और अकेला परिवार में कमाने वाला था, उधमपुर का लड़का था वो, वहाँ पर सर्कस मेला है, वहाँ पर काम करता था। लेकिन इस प्रकार के कायर लोग जब इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो स्वाभाविक बात है कि थोड़ी दहशत का माहौल बनता है। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सरकार की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से कोई कहीं खामी रही हो, कोई कमी रही हो। तो कुल मिलाकर के जल्द ही उनको मार भी गिराया जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो अभी भी बचे हैं उन पर भी कार्रवाई करने का। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि, लेकिन पहले से देखिए, पिछले अगर हम 2-3 सालों से देखें, लगातार टारगेट किलिंग सिलसिला जारी है। बीच बीच में रुक जाता है लेकिन फिर कोई किलिंग होती है और माइनॉरिटीज को, और फिर आतंकवादी जो है वो सोशल मीडिया के जरिए फिर धमकाते हैं कि अगला टारगेट और कोई होगा, हम यहीं तक रुकेंगे नहीं, मोर टू कम इस तरह की। और लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये कब तक चलेगा, लोग यही पूछ रहे हैं, खासकर माइनॉरिटीज के ताल्लुक से, और आम लोग जो पीस लविंग अमन पसंद लोग जो कश्मीर के हैं वो ये कहते हैं कि कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, ये आतंकवाद है, पिछले लगभग 30-40 साल से हम इसको भुगत रहे हैं। बिल्कुल उनकी जड़ें समाप्त हो गई हैं ऐसा नहीं है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, वो समय समय पर अपने इस प्रकार की कार्रवाई करता है। तो हमें ये कंपैरिजन करना है कि पहले से हमने कितना काबू पाया है, उसके हम जो आंकड़े हैं अच्छी प्रकार से जान सकते हैं। और इस प्रकार के जो इक्का दुक्का गतिविधियां होती हैं तो मुझे लगता है जल्द उस पर भी लगाम लगेगी। हालांकि पूरी हमारी एजेंसीज, हमारे जो खुफिया एजेंसीज वो काम करती हैं और जो लोग इन्वॉल्व हैं, सरकार ने बहुत बड़े स्टेप लिए हैं इसमें। आपने देखा होगा कुछ लोगों को नौकरी से निकाला गया, जो आतंकवादियों के रिलेटिव भी थे जो सरकार में बैठ करके या कहीं डिपार्टमेंट्स में बैठ करके करते थे, उन पर भी चेक लगाया गया। ठीक है, जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं स्वाभाविक बात है दुख होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह आतंकवाद खत्म नहीं होगा, इसकी तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आपने ये कहा कि इक्का दुक्का होते हैं, लेकिन जो मारा जाता है, जिसकी शहादत होती है उसके घरवाले जानते हैं। दीपू अलोन था, उसका अकलौता सहारा था घर का, उसके घर में बाप है वो भी बीमार है, भाई है वो भी बीमार है, गरीब था। आपको नहीं लगता है कि ऐसे जो एक आम इंसान की शहादत होती है, एक इंसान मारा जाता है, चाहे किसी भी रिलीजन का, ये एक कंसर्न है, और इस कंसर्न को मिटाने की और सरकार को, सिक्योरिटी फोर्सेस को और तेजी से काम करना पड़ेगा, जड़ों तक जाना पड़ेगा। देखिए, समय समय पर रणनीति भी चेंज की जाती है। ये टारगेट किलिंग का जो नया सिलसिला शुरू हुआ था, इस पर भी ऐसा नहीं है कि एजेंसीज, खुफिया एजेंसियों ने वहां अपने लोग नहीं लगाए होंगे। ठीक है कि जो लोग वहां पर हमारे माइनॉरिटीज के एम्प्लॉयज हैं उनको टारगेट किया जाता है, दहशत बनाने की माहौल पैदा किया जाता है। लेकिन एक बात यह भी कहना होगा कि अगर हम सभी को यहां बुला लेते हैं, ट्रांसफर्स कर देते हैं, वो मिलिटेंसी के आगे सरेंडर करना होगा। सरकार सोच समझ करके कोई भी कदम उठाती है तो मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल काम कर रहे हैं कश्मीर में, तो आने वाले दिन अच्छे दिन आएंगे।
ये जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की अगर आपने बात की, वो कहते हैं कि आप लोग जैसे कोई नेता वहां जाता है तो वो तो सिक्योरिटी के अंडर जाता है, अगर वो एम्प्लॉयज स्कूल में जा रहे हैं कहीं और जा रहे हैं वहां तो सिक्योरिटी में नहीं है, उनके फैमिलीज भी, तो आपको नहीं लगता है कि उनकी जो कंसर्न है उनकी वो जेन्युइन है और सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा जब तक कि पूरे हालात ठीक नहीं? ऐसा नहीं कि सरकार इस पर काम नहीं कर रही है, उसके लिए अलग से सेफ जोन बनाने जाने चाहिए ताकि इस प्रकार की हत्याओं को दोबारा करने का मौका ना मिले। अब पिछले दिनों भी बात हुई थी तो मुझे लगता है कि अच्छे कदम जल्द से जल्द वो बिल्डिंग्स वो इमारतें बन करके तैयार हों और खास करके जब ऐसा माहौल बनता है तो उन लोगों को एक सिक्योरिटी के साथ सम्मान के साथ सही जगह पर उनका जो सर्विसेज है उसका उपयोग किया जाना चाहिए।